हैदराबाद से एक अच्छी खबर आ रही है। जहां लोग बैंकों और एटीएम के आगे लाइनों में भूखे प्यासे लगकर परेशान हो रहे हैं, वहीं हैदराबाद का एक फाउंडेशन लाइन में लगे लोगों की मदद के लिए उतर आया है। फाउंडेशन हैदराबाद के कई क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद देश से अच्छी खबरें कम ही आ रही हैं। फिलहाल हालात बेहद खराब हैं। लोग बैंकों व एटीएम के बाहर सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं और धूप गर्मी में खड़े होकर पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इन हालातों में लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में हैदराबाद का एक स्वयंसेवी श्री सत्य साई समिति फाउंडेशन लोगों की मदद के लिए आगे आया है। फाउंडेशन एसआर नगर क्षेत्र में बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों को निःशुल्क पानी का वितरण कर रहा है, जिससे लोग पानी के लिए परेशान न हो। फाउंडेशन सदस्यों ने कहा कि वो ये कार्य सेवा भाव से कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को मदद की जरूरत है। श्री सत्य साई फाउंडेशन इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। 10 दिन से 12 दिन से ऐसा सेवा कर रहे हैं। SBI, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, IOB, नाइट बैंक, करूर वैश्य बैंक, जोन में राजीव नगर, कॉलोनी मोदी नगर, कल्याण नगर, वरबंडा, सब लोनों में बैंक का है। बैंक में से पानी पिला रहे हैं। क्या कैसे और हमारा सबसे सही सेवा समर्पित है। 5 बाटी से 10 बाटी डेली। कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ एहसान नगर में और भी दूसरे शहर हैदराबाद में भी और भी दो? और मैं हम लोग एहसान नगर समिति से ये जोन में पिला रहे हैं। एहसान नगर जोन में पिला डेली 5 से 10 लीटर। इसका एम क्या है? पानी पिलाना नहीं, मतलब घंटों जरा ठहरे हुए हैं धूप में,